हेलो दोस्तों, मैं हूं इस वक्त झारखंड के गोड्डा में, और गोड्डा में बौंसी मेला के बाद वहां का जो मेला ख़त्म होता है उसके बाद गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2019 आप यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं। यहां पर एक मेला लगता है, ये झारखंड का मेला है, और साथ ही साथ यहां मीना बाज़ार जैसा लगता है मेला। और ये देखिए बलभद्र किसान क्लब गंगटा फुंसिया का, और यहाँ पे कुछ पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं जो कि हम जानते नहीं कि ये कौन सा पक्षी है, लेकिन इन पक्षियों को हम अपने YouTube चैनल के दर्शकों के लिए कैद कर रहे हैं। कौन सा ये पक्षी है मुझे मालूम नहीं है कि ये है क्या, आखिर ये क्या चीज़ है, ये कौन सा पक्षी है, मोर बता रहा है, मोर होगा, कोई नहीं बता रहा है, लेकिन मोर जैसा लग रहा है, लेकिन है नहीं, मोर तो है नहीं है। और ये चारों तरफ देखिए मेले की आज धूम, जिला मत्स्य कार्यालय गोड्डा यहाँ पे जगह जगह प्रमोशन के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। और जहाँ पे ये देखिए मेला, और जगह जगह यहाँ पे किसानों के लिए, और यहाँ पर किसानों से संबंधित ओल की उपज। और हम पूछना चाहते हैं ये जो आपका स्टॉल लगा हुआ है किस चीज़ का स्टॉल है? कृषि विज्ञान केंद्र से है जी, और एक कृषि संबंधित सारी जानकारियाँ मिलते हैं, कुछ सीड भी है सैंपल जी, और अधिक जानकारी के लिए हमारा कृषि विज्ञान केंद्र पर हम बुलाते हैं जो जो इच्छुक किसान है। जी जी जी, तो आपने ये खुद का ये खोला है या किसी चीज़ से संबंधित है सरकारी? डायरेक्ट ICR है जी जी जी, ICR से संबंधित है, कृषि विज्ञान केंद्र गोड्डा। कृषि विज्ञान केंद्र गोड्डा, आपका शुभ नाम? अमर साहनी। अमर साहनी साहब, और देखिए यहाँ पर किसानों के लिए ये सारे सामान, बीज, और बड़ा ही ये प्रोडक्ट जो होगा संशोधित प्रक्रिया से बनाए गए होंगे ताकि किसान इससे ज़्यादा उत्पाद पैदा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर भी कोई एक स्टॉल लगा हुआ है, और जहाँ पे मैंने एक बड़ा ही शानदार, हाँ यहाँ मिल लीजिए हमसे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें पहचानते हैं, पहचान रहे हैं, हमको पहचानते हैं, हाँ मैं वॉलीबॉल, अरे अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात, देखिए मुझे भी पहचानने वाले यहाँ लोग मिल रहे हैं। YouTube चैनल के दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हाँ बहुत बहुत। और ये एक सरकारी स्टॉल, सरकारी स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है, और हम ये जानना, हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ बताते हैं, किस चीज़ की जागरूकता आप देते हैं लोगों में? यहाँ पर मलेरिया, कालाजर, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस आदि बीमारी के VVD के संदर्भ में जानकारी दी जाती है। और हमारे स्टाफ लगे हुए हैं, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, कुष्ठ रोग बीमारी, और एक विशेष प्रोग्राम जो है 8 फरवरी को होने वाला है, उसकी भी जानकारी दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत 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 धन्यवाद। और चलिए अब सबसे बड़ी बात, जो यहाँ का अमृत कहलाता है, बिहार का, झारखंड का खजूर, हालांकि मैं बता दूं आपको YouTube चैनल के दर्शकों के, पूरी तरह से बिहार में शराब बंदी है। एक समय तो बिहार में ताड़ी और नीरा ये सभी चीज बंद कर दिए गए थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। आइए पूछते हैं, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों की जानकारी ली है, यहाँ पे कुछ हमने स्वाद भी लिया है। आपका शुभ नाम? जयप्रकाश द्रव है। ये बताइए कि ये जो सारे प्रोडक्ट हैं हमारे हाथों में, ये क्या है? ये खजूर का मधु है। खजूर का मधु है जी, यानी कि छत्ता खजूर के वृक्ष पे लगता है? खजूर के जो छत्ता नहीं है, इसको हमें जो ना हीट करके इसको बनाया है। चलिए बहुत खुशी की बात है। और ये किस तरह से फायदा करता है? ये सभी रोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसमें किसी भी प्रकार की रोग को आने नहीं देगा शरीर में। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसमें आपने क्या रखा है अंदर, आप दिखाएं? आइसक्रीम है। आइसक्रीम में आप निकाल निकाल के दिखाएं, कौन सा आइसक्रीम है आपका? आइसक्रीम है ये किस चीज से बना? नीरा से बना हुआ है। नीरा से बना हुआ है ये देखिए मित्रों, ये नीरा से बना हुआ है, खजूर के रस का जो है। और बिल्कुल नहीं, ठीक है ठीक है। और मैंने जो आप ये नीरा पिया था, वो वाला पैकेट कहाँ है? वो पैकेट सब खत्म हो गया है। ओहो, फिर भी एक, अगर एक है तो दिखाएं आप।
मैं अपने चैनल के दर्शकों को मैं बता देना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर पिया है वो नीरा, जिसके लिए कि काफ़ी मैं खोज रहा था। एक चीज़ और मैं खोज रहा हूँ यहाँ पर, खजूर का गुड़। लेकिन खजूर का गुड़ मुझे नहीं लगता है कि तब तक आप मेला देखें, चारों तरफ मेले की YouTube चैनल के दर्शकों धूम मची हुई है। 10 मिनट में आ जाएंगे सर। बिल्कुल, ये 10 मिनट में। और चलिए, और जो गांव से संबंधित चीज़ें हैं मैं दिखा देना चाहूँगा। हाँ, ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, बैठिए आप। अरे भैया, आपका YouTube पर आएगा, ये क्या है बताइए, कौन सा प्रोडक्ट है? संजीवनी प्लांट। संजीवनी प्लांट है, इससे इससे फायदा क्या? डेकोरेशन के लिए। इससे क्या फायदा है? फायदा नहीं, डेकोरेशन के लिए है जी। ओह, ये सजावट के लिए है। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। तो पहले ये सूखा हुआ रहता है इस तरह से? सूखा हुआ है, पानी में रखिएगा, एक दिन में हरा हो जाता है। ये देखिए, ये सूखा हुआ है मित्रों, ये पूरा सूखा हुआ है, और पानी में देने के बाद बिल्कुल ये इस तरह से पोजिशन में आ जाता है, और चारों तरफ मेले की धूम मची हुई है। बिल्कुल। और देखिए, मुझे चाय यहाँ पे लेमन टी के लिए, मुझे शायद मेरे जो पहचानने वाले मित्र थे उन्होंने कहा कि ये बिहार में बहुत लोकप्रिय है नींबू की चाय। कैसे बनाते हैं आप नींबू की चाय? नींबू मसाला देके बनाते हैं, फट लगा के। मसाले में क्या क्या रहता है? बहुत कुछ, 9 चीज है। 9 चीज? हाँ। नवरत्न मसाला। अरे वाह वाह वाह, आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक, अच्छा। इस चाय को अगर बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, चारों तरफ मेले की धूम है। पिलाइए। और मैं पॉज करता हूँ थोड़ी देर के लिए।